तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल वाल बॉडी बिल्डर। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू यूट्यूब वीडियो पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं जिनकी बायोग्राफी लेके आया उनको वैसे तो जनरली पूरे इंडिया में जाना जाता है और इनको बॉडी बिल्डिंग का लेजेंड भी बोला जाता है। और ये तब के बॉडी बिल्डर है जब आज के टाइम के बॉडी बिल्डरों ने जिम भी शुरू नहीं की थी। ये तब के बॉडी बिल्डर है। ये कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं जहाँ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जैसे संग्राम चोकले, मुरली कुमार, सुनील यादव जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों ने भी कोल्हापुर में ही जन्म लिया है। तो दोस्तों, जिन बॉडी बिल्डर के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है सुहास खामकर। इनका जन्म 9 अगस्त 1980 में हुआ था। वैसे तो इनके परिवार के सभी सदस्य एथलीट रह चुके हैं। स्पेशली जो इनके बड़े भाई है वे बॉडी बिल्डिंग करते थे, जो इनके पिता थे वे रेसलर थे और जो इनके दादाजी भी थे वे भी बहुत अच्छे रेसलर थे। सुहास खामकर स्कूल के टाइम से ही फिटनेस के अंदर आ गए थे। जो इनके जो जेनेटिक्स थे वे इनके पिताजी और दादाजी पे गए हुए थे क्योंकि वे रेसलिंग करते थे। तो वैसे तो शुरुआती दिनों में इनकी जो बॉडी थी उनका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिखता था, पर इनके पिता के हमेशा से सोच रहे थे कि मेरा बेटा रेसलर बने, पर उनके लाख मना करने के बाद भी इन्होंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन की और ये अपने बड़े भाई के साथ जिम में जाने लगे। वैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया इनके भाई बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर थे, 1999-2002 के टाइम के बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर रहे। और उस समय की खास बात ये थी कि उस टाइम में ना कोई प्रोटीन था, ना कोई BCAA, ना कोई प्री वर्कआउट। उसका जो मेन सोर्स होता था प्रोटीन का वह घर की डाइट चिकन वगैरह और अंडे वगैरह ही होते थे और ना इनके लिए कोई खास सुविधा होती थी। वैसे तो इनके लिए नहीं, वैसे सभी बॉडी बिल्डर ने फेस किया जो कि उस टाइम से बॉडी बिल्डिंग करते थे। उस टाइम में लोकल शो बहुत होते थे, इसका मुख्य कारण यह था कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं था बॉडी बिल्डिंग के बारे में और जितने भी शो होते थे उसमें सुहास खामकर आसानी से जीत जाते थे। और इन्होंने 2002 से लेकर 2018 तक इन्होंने बहुत ही मेहनत की और इनकी जो पहली कामयाबी 2010 में इन्होंने अपना पहला मिस्टर एशिया खेला जहाँ पे जीत गए और इंडिया के अंदर इन्होंने एक नई पहचान अपनी बनाई। कुछ कारणों की वजह से इन्होंने 2015 से लेकर 2017 तक बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। फिर इन्होंने 2018 में मेजर ओलंपिया में पार्टिसिपेट किया और प्रो कार्ड जीतने में इन्होंने सफलता हासिल की। इनको शुरू के टाइम से ही बॉडी बिल्डिंग के थ्रू इन्होंने रेलवे में जॉब करनी शुरू कर दी थी। ये ऐसे एथलीट है जिनको बॉडी बिल्डिंग ने नहीं बल्कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को एक नई दिशा दिलाई। प्रो कार्ड की जो डेफिनेशन थी ये बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे और इंडिया के अंदर ये पहले फर्स्ट ऐसे एथलीट थे जिनको प्रो कार्ड हासिल किया। वैसे तो सभी बॉडी बिल्डरों के अपने लाइफ या स्ट्रगल होते हैं जो कि शुरुआती दिनों में सब फेस करते हैं। इन्होंने पहला अपना गेम अपने जिम में ही खेला था जहाँ पे इनकी प्लेस फोर्थ आई थी और उस शो में इनके बड़े भाई की फर्स्ट प्लेस आई थी। और बात करते हैं इनके शो की, अभी तक इन्होंने 600 से ज़्यादा शो खेल चुके हैं। ये इंडिया के पहले ऐसे एथलीट खिलाड़ी है जिन्होंने हादी चुम्पन और अहमद अस्कनी के साथ भी पार्टिसिपेट किया हुआ है और इन्होंने 2 बार मिस्टर वर्ल्ड भी खेला है। आप सोच सकते हैं कि सुहास खामकर किस लेवल के खिलाड़ी एथलीट है। और बात करते हैं इनके अचीवमेंट के बारे में, ये वैसे तो इंडिया फर्स्ट प्रो कार्ड होल्डर रह चुके हैं। इन्होंने 2 बार मिस्टर ओलंपिया खेला है, 2 बार मिस्टर वर्ल्ड और 2 बार मिस्टर एशिया और 10 बार ये मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और 8 बार महाराष्ट्र से रह चुके हैं और जो जितने भी लोकल्स हैं उनकी तो कोई गिनती भी नहीं है। और बात करते हैं इनकी जिमों के बारे में, इनके इंडिया के अंदर 10 से प्लस बहुत सारी जिमें हैं। तो दोस्तों, ये थी सुहास खामकर की एक मोटिवेशनल बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, तो कॉमेंट जरूर करें अगली बायोग्राफी किस पे लेके आऊँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।